नए केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 30 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जानभाग अफराद की तादाद 29,192 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 8,183 केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,02,070 हो गई। 24 घंटे के दौरान 68,624 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 11.92% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 98,221 हो गई। कोरोना से मुतासर 1,353 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,183 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 14,02,070 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 68,624 नए टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जानभाग हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 29,192 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 98,221 हो गई। अब तक 12,74,657 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 1,353 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पंजाब भर से कोरोना के 2,385 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बायस लाहौर में 6 हलाकतें हुई। लाहौर 1,380, रावलपिंडी में 363 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के शहरों में कोरोना केसेस की शरह 9.7% रिकॉर्ड हुई। रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 10.2% रिकॉर्ड हुई। कराची में कोरोना की पांचवी लहर की शिद्दत में कमी आने लगी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 27.92% हो गई। 24 घंटे के दौरान कराची में 2,459 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना के बायस 20 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना की पांचवीं लहर की शिद्दत में कमी आने लगी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 27.92% रही। 24 घंटे के दौरान कराची में 2,469 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना के बायस 20 मरीज इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मजीद 1,317 अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। पिशावर में कोरोना के 713 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शरह 5% रही। पिशावर में भी 20 से केसेस बढ़ गए। पिशावर में कोरोना केसेस की तादाद 71,174 हो गई। एनसीओसी का तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। जराए के मुताबिक तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां फरवरी के वस्त तक बरकरार रखने का फैसला। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रखने का फैसला। 10% से कम शरह वाले शहरों में 12 साल से ज्यादा तुलबा के लिए स्कूल खुले रहेंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के मुकम्मल वैक्सीनेटेड तुलबा को स्कूल आने की इजाजत होगी। 10% ज्यादा शरह वाले शहरों में तुलबा मुख्तलिफ आयाम में स्कूल आएंगे। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में 12 साल से कम उम्र तुलबा की हाजिरी निसफ होगी, जबकि 10% शरह से ज्यादा शहरों में 12 साल से ज्यादा उम्र तुलबा की मुकम्मल हाजिरी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा।